विधानसभा उपचुनाव के मतदान का समय नजदीक आने के साथ ही जलालाबाद में तस्वीर साफ हो रही है। जलालाबाद में कांग्रेस के रविंदर आंवला का हाथ अपने विरोधियों से ऊपर दिखाई दे रहा है। चर्चा तो यह भी है कि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल जलालाबाद की सीट जीतना ही नहीं चाहते। जलालाबाद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के महेंद्र सिंह कचूरा और कांग्रेस के विद्रोही गोल्डी कम्बोज की मिले वोट दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला करेंगे। दोस्तों, आज हम जलालाबाद उपचुनाव के राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जलालाबाद के घमासान के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। जलालाबाद की चुनावी भट्टी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। कांग्रेस उपचुनाव को जलालाबाद को अकाली दल के कब्जे से बाहर निकालने के मौके के रूप में देख रही है। फाजिलका जिले के इंचार्ज मंत्री बलबीर सिंह संधू जलालाबाद में डेरा डालकर बैठे हैं। दूसरे मंत्री और संतरी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार रमिंदर आंवला की छवि भी साफ सुथरी है। रमिंदर आंवला खानदानी नेता हैं और पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की अंदरूनी मार के सिवा रमिंदर आंवला को कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता। अकाली दल ने डॉक्टर राज सिंह डिब्बीपुरा को कांग्रेस के रमिंदर आंवला से मुकाबले के लिए चुना है। राज सिख बिरादरी से होना राज सिख डिब्बीपुरा की सबसे बड़ी विशेषता है। जलालाबाद में चर्चा है कि अकाली दल उपचुनाव में कांग्रेस को वॉक ओवर देने जा रहा है। सुखबीर बादल ने 2022 का विधानसभा चुनाव जलालाबाद से ही लड़ना है। सुखबीर बादल जलालाबाद उपचुनाव जीतकर अपने लिए दूसरा शेर सिंह खड़ा नहीं करना चाहते। बता दें कि अकाली दल छोड़कर शेर सिंह घुबाया ने कांग्रेस की टिकट पर फिरोजपुर लोकसभा सीट से सुखबीर बादल को ही चुनौती दे दी थी। जलालाबाद सीट पर हार जीत का फैसला करने में आम आदमी पार्टी के मोहिंदर सिंह कचूरा और कांग्रेस के विद्रोही गोल्डी कम्बोज की भी मुख्य भूमिका रहेगी। बुरी तरह से टूट के बाद भी पंजाबियों का एक बड़ा तबका आम आदमी पार्टी को तीसरे बदल के रूप में देख रहा है। गोल्डी कम्बोज को जलालाबाद से कम्बोज बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। इन दोनों उम्मीदवारों को मिले वोट रविंदर आंवला और राज सिंह की चुनावी गणित का फैसला करने वाले साबित होंगे। सतलुज दरिया के किनारे पर स्थित जलालाबाद विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। भारत पाक सीमा से लगे होने के कारण कोई बड़ा उद्योग जलालाबाद में नहीं है। उपचुनाव के नतीजे न सिर्फ जलालाबाद बल्कि पंजाब की राजनीति की दिशा और दशा को निर्धारित करने में अहम साबित होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।